बैक टू द चैनल एवरीवन। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्रुप्स क्या होते हैं और लेजर क्या होती है। अब इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकली टैली के अंदर क्रिएट करके देखेंगे ग्रुप्स भी और लेजर्स भी। ठीक है, जो हमने एक्स वाई जेड डेमो कंपनी बनाई थी वही कंपनी मैंने अपने यहाँ पे ओपन कर ली है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो हम होम पेज पे हैं। होम पेज पे अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग, कितना जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें हर एक अल्फा जो हर एक जो आपके पास ऑप्शन है उसके अंदर एक अल्फाबेट अलग कलर में दिया हुआ है। जैसे क्रिएट के अंदर अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे सी अलग कलर में है, ऑल्टर में ए अलग कलर का है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एच अलग कलर का है, वाउचर्स में वी अलग कलर का है। तो यानी जो भी एक अलग कलर का आपके पास दिया हुआ है अल्फाबेट, वो अल्फाबेट उस ऑप्शन को ऑन करने की शॉर्टकट की है। ठीक है, अब जैसे मैं क्रिएट पे जाऊं तो या तो मैं क्रिएट के ऊपर जाके एंटर कर दूं, या आप डायरेक्टली सी प्रेस करेंगे तो सी इसकी शॉर्टकट की हो गई। वाउचर्स का जो आपके पास देखेंगे अल्फाबेट वी अलग कलर का है, वी प्रेस करेंगे तो वाउचर्स को वाउचर्स की शॉर्टकट की हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं पी पी फॉर पैरेट प्रेस करूंगी तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की शॉर्टकट की है, यानी कि जो भी यहाँ पे अलग कलर की कीज है वो मेरे पास इनकी क्या हो जाएंगी, शॉर्टकट कीज हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आपने डायरेक्ट सिर्फ वही अल्फाबेट प्रेस करना है, नथिंग एल्स। अब देखिए, अब बात आती है कि मैम ग्रुप कैसे क्रिएट करें। देखो, ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, क्रिएट पे। हमने क्रिएट का ऑप्शन ऑन किया। अब यहाँ आप देखेंगे अकाउंटिंग मास्टर्स क्रिएट करने का ऑप्शन है, इन्वेंटरी मास्टर्स क्रिएट करने का ऑप्शन है, स्टैट्यूटरी मास्टर्स, स्टैट्यूटरी डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल हम सिर्फ ग्रुप और लेजर की बात करेंगे आज, एक एक ऑप्शन हम सीखेंगे इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ग्रुप की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दिया। अब ग्रुप में मैंने आपको कल जो सिखाया था उसमें क्या बताया था, फर्नीचर एंड फिक्सचर। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि एक सिंगल तरीके के फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स हम अलग कर देंगे और जितने भी तरीके की प्लांट एंड मशीनरी है उसको मैं अलग रख दूंगी। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बायफर्केशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ऑलरेडी भी कई सारे जो आपके पास ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर एड होते हैं। अगर आप देखेंगे कौन कौन से ग्रुप इसके अंदर एड है, तो यहां आएंगे आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे, ग्रुप्स पे जाइए, ये ऑलरेडी वो ग्रुप्स हैं जो इसके अंदर ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। जैसे सस्पेंस हो गया, सेल हो गया, परचेज हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गया, जो ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट्स हैं वो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके देख सकते हैं। एंटर करना हो किसी में, चेंज करना हो, तो हम ऑल्टर में जाके ऑल्टर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे गए, यहाँ पे आपने ग्रुप बनाया, यहाँ पे मैं ग्रुप कौन सा बनाऊंगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर कौन से हेड के अंदर आएगा, एसेट्स के अंदर आएगा। कहाँ आएगा जी, एसेट्स के अंदर आएगा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में इसको हम डाल देंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आई? अब इसमें दिया हुआ है ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर और नोट। सब लेजर के अंदर क्या होता है, जब आप किसी का सब लेजर बना दोगे ना तो वो ग्रुप तो क्या करता है, वो कंप्लीट डिटेल दिखाता है जब आप उसकी समरी देखोगे, लेकिन सब लेजर के अंदर कंप्लीट समरी नहीं आती है। ठीक है, इसलिए मैं इसको सब लेजर नहीं बनाऊंगी। आप इसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, ये आपके पास सेव हो जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस किया और ये आपके पास सेव हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर मैं डाल दूंगी इसको। ठीक है, या तो आप कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए या एंटर एंटर करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, ये मैंने अलग अलग तरीके की फिक्स्ड एसेट्स जो थी वो यहाँ पे क्रिएट कर दी। समझ में आ गई मेरी बात? अब अगर मैं डेटर क्रिएट करना चाहूं, डेटर कहाँ जाएंगे, डेटर हमारे पास आएंगे करंट एसेट्स में। डेटर कहाँ आएंगे, करंट एसेट्स में, क्योंकि ये एक साल से पहले हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे मेरे पास, करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि एक साल से पहले हमें इनका पैसा देना होता है। ठीक है, ये मेरे पास कहाँ आ जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज में। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे अपने जो लेजर्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो क्रिएट कर लेने हैं। अब मैंने यहाँ पे अपने क्या किए, ग्रुप्स क्रिएट कर लिए। अब आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, देखिए मैंने एच प्रेस किया, ग्रुप्स पे गए हम लोग, तो जो हमने यहाँ पे बनाए हैं लेजर
वो देखिए वो यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहे हैं, जो हमने फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स में हमने तीन ग्रुप बनाए थे, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, इंटेंजिबल एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी आ गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बनाए डेटर्स और क्रेडिटर्स के, देखिए करंट लाइबिलिटी में ये रहे क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटी के अंदर करंट एसेट्स में मैंने डेटर्स का लेजर बनाया, ये रहा डेटर्स का लेजर, ठीक है। अब ऑलरेडी भी इसमें सन्ड्री डेटर्स आप देखेंगे तो दिए हुए, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से ऑलरेडी भी यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स अवेलेबल थे। अब मैम अगर हमें इनको डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे करेंगे, देखो अब जैसे सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स का मैंने आपको बना करके दिखाया, अब आपको पता चला ये तो ऑलरेडी भी था, ठीक है, अब आपको पता चला ये तो ऑलरेडी भी था, फिर क्या करोगे, फिर इसको डिलीट भी कर सकते हो। मैम डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट के लिए आपने क्या करना है, ऑल्टर पे जाना है, ऑल्टर पे जाने के बाद आपने, देखिए मैं सिर्फ आपको क्रिएशन पर्पज से ये चीज दिखा रही हूँ, आपने ऑलरेडी पहले चेक कर लेना है फिर ये आप ग्रुप्स बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। मैंने ये सिखाने के लिए आप लोगों को इस तरीके से ग्रुप्स बना करके दिखाया। आप डिलीट कैसे करोगे, आप डिलीट करने के लिए हम ऑल्टर पे आए, ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप पे जाके आपने डेटर सिलेक्ट किया, डेटर्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे आए, ऑल्ट डी आपने प्रेस कर देना है, यस कर देंगे, अब देखिए ग्रुप आपका डिलीट हो गया होगा। मैं क्रेडिटर्स पे जाती हूँ, क्रेडिटर्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऑल्ट डी प्रेस करना है, आपके पास ये ग्रुप जो है वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर, ग्रुप का समझ में आ गया, बनेगा कैसे और डिलीट कैसे होगा, यहां तक बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम लेजर बना के देखेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, लेजर के ऊपर आ गए, लेजर पे आने के बाद मैं सबसे पहले डेटर्स का आपको बताती हूँ, जैसे हम राम श्याम मोहन ये हमारे डेटर्स हैं, ये हमें पैसा हमें इनसे लेना है, तो यहां पे मैं लिखती हूँ राम, किस हेड के अंदर बनाना है, क्रिस ग्रुप के अंदर बनाना है, डेटर्स के अंदर, किसमें बनाना है, डेटर्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पे राम का आप एड्रेस लिख देंगे, यहां पे प्रॉपर उसकी लोकेशन डाल देंगे, ठीक है, पिन कोड डाल देंगे, मैं रेंडमली कुछ भी डाल रही हूं यहां पे। और अब आपने बताना है कि क्या वो डेटर जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, हाँ या ना, वो डेटर जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो अनरजिस्टर्ड पे क्लिक कीजिए, जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ये देखिए रेगुलर बेसिस पे रजिस्टर्ड है या कॉम्पोजिशन डीलर है, वो रेगुलर बेसिस पे रजिस्टर्ड है या फिर वो कॉम्पोजिशन डीलर है, अगर कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे, रेगुलर है तो रेगुलर पे, और फिर आप यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर एंटर कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको अनरजिस्टर्ड कर रही हूँ, ठीक है, कंट्रोल ए कर देंगे सेव हो जाएगा। पर अगर आपका यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी है, देखिए आप लोग फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अकाउंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जो अकाउंट्स है वो बनाते टाइम जो 1 अप्रैल 2023 को उसका बैलेंस होगा, वो बैलेंस भी तो शो करोगे ना, ओपनिंग बैलेंस भी तो होगा, हो सकता है ऑलरेडी उसके अकाउंट्स कहीं चल रहे हो या फिर वो बाय हैंड अकाउंट्स बनाता हो, तो जो ओपनिंग बैलेंसेज है वो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ आपने उसका ओपनिंग बैलेंस डाल देना है अगर कुछ भी है तो, अगर नहीं है तो आप इसे मिल रहने दो, छेड़ो मत, कंट्रोल ए कर दो या एंटर एंटर कर दो, आपके पास ये लेजर जो है वो सेव हो जाएगा। राम के बाद मैं यहाँ पे बनाती हूँ श्याम, ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम आप इसकी डिटेल डालिए, एड्रेस वगैरह डालिए, प्रॉपर आपने एड्रेस डालना है, हम रेंडमली बेसिस पे अकाउंट्स बना रहे हैं तो मैं ज्यादा यहाँ पे एंटर नहीं कर रही हूँ। पैन की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, लीगल नेम यानी कि फर्म का जो उसका नाम है, उसकी फर्म का जो नाम है वो यहाँ पे आप डालेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालेंगे, अगर जीएसटी की डिटेल्स यहाँ पे आप ऑल्टर करना चाहो ना तो ऑल्टर भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ यस करोगे ना तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में है, सब कुछ यहाँ पे पूछेगा, फिलहाल मैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डेटर्स के अंदर हम डालते हैं घनश्याम, ठीक है, सॉरी राधेश्याम, एक तो हम रैंडमली बाद में किस जब हम अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन्ड करेंगे तो एक आधे किसी रेगुलर पर्सन का हम इसमें डाल के देखेंगे जीएसटी नंबर और प्रॉपर तरीके से सीखेंगे इस चीज को, ठीक है। यह हमने कई सारे डेटर्स डाल दिए, अब इसके बाद हम क्रेडिटर्स की डिटेल डाल लेते हैं, क्रेडिटर्स में हम डालते हैं मोहन, यहाँ पे आप ले लेंगे
sundry creditors. एड्रेस आप यहां डाल देंगे. मोहन सोहन ये आपने सारी जो डिटेल्स है वो फुलफिल करनी है. मैं यहां पे फुलफिल नहीं कर रही हूं, मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूं. मोहन सोहन रोहन रोहन का यहां पे एड्रेस आप लोग डालेंगे. डन. और कोई नाम आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं. तो इस तरीके से हमने लेजर जो थे लेजर मेंटेन्ड कर लिए. अब हम अगर फर्नीचर का या फिर उसका प्लांट एंड मशीनरी का लेजर डालना चाहें, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का मैं लेजर यहां पे एंटर करती हूँ एयर कंडीशन. तो देखिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आपने सिलेक्ट करना है. अब ये फिक्स्ड एसेट्स आ गई. अब यहाँ पे आपसे जीएसटी की डिटेल पूछेगा. जीएसटी की डिटेल पूछेगा कि आपने जिससे एसी खरीदा है क्या वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड था, क्या वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड था. और अगर रजिस्टर्ड था तो आप उसकी डिटेल दीजिए. अगर वो रजिस्टर्ड था तो हमें एप्लीकेबल पे क्लिक करना होता है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पे. ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ लेजर बनाना सीख रहे हैं. मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर रही हूँ. एप्लीकेबल पे क्लिक हम करेंगे, बताऊंगी कैसे होता है, लेकिन जब हम प्रॉपरली वाउचर एंटर करना सीखेंगे तब बताऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी नॉट एप्लीकेबल कर दिया. एड्रेस जहां से आपने ये खरीदा है इसी वहां का आप एड्रेस देंगे. इसको भी मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रही हूँ, अनरजिस्टर्ड में डाल रही हूँ इसको. ठीक है, एसी के बाद हम यहाँ पे कुछ और एंटर कर लेते हैं, जैसे कि प्रिंटर. इसको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, लेजर्स रेंडमली अपने ये क्रिएट कर लिए. अब आप यहाँ पे अगर देखना चाहें जो आपने लेजर क्रिएट किए हैं, मैंने कैसे देखा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे गए, लेजर्स पे गए. ठीक है, अब आप देखोगे, देखो डेटर्स के नीचे घनश्याम राधेश्याम राम श्याम ये सभी नाम आ गए. प्लांट एंड मशीनरी के नीचे मैंने दो लेजर क्रिएट किए थे. तो जितने भी लेजर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर बनाने हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाने हैं, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं उस ग्रुप के अंदर. अब सेम तरीके की देखो, अगर क्रिएटर्स की मैं बात करूं तो क्रिएटर्स की डिटेल यहाँ एक साथ आ जाएगी. क्रिएटर्स क्या है, ग्रुप है, और इसके नीचे एक साथ इनकी डिटेल आ रही है. प्लांट एंड मशीनरी का मैंने एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर सारी प्लांट एंड मशीनरी एक साथ आपको दिख रही है. डेटर्स का हमने एक ग्रुप बनाया जिसके नीचे सारे लेजर्स इसके एक साथ दिख रहे हैं. तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर तरीके के लेजर सारे एक हेड के नीचे हमने यहाँ पे रख दिए. तो गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डालती रहूं. मेरा टारगेट है कि टैली का हर एक लेक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट हम इसमें करेंगे, बहुत डेप्थ में टैली को डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों ने जॉब भी करनी है तो बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस. पर अगर वीडियोस पर लाइक नहीं आएंगे ना तो भैया मन नहीं करता नेक्स्ट वीडियोस बनाने का. लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियोस को अदर लोगों के साथ. अगर मेरे इस पे चैनल पे लाइक आते हैं, सब्सक्रिप्शन आते हैं इन वीडियोस के ऊपर, तो मैं लाइव सेशंस भी दूंगी आप लोगों को. ऐसा नहीं है सिर्फ टैली हमें कवर करना है, जीएसटी भी कवर करेंगे, इनकम टैक्स भी कवर करेंगे. प्रॉपर अकाउंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी इन्हीं वीडियोस के थ्रू बनाएंगे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.